पे चलना है। वालेकुम, दिस इज क्लास 39। आवर सब्जेक्ट इज बायोलॉजी एंड टुडे आवर टॉपिक इज फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट मस्टर्ड प्लांट इज ए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो जानदार जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है, जिसके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स और ऑर्गेन सिस्टम मौजूद होते हैं। तो प्लांट्स में भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म्स मौजूद हैं और एनिमल्स में भी। तो जो मस्टर्ड प्लांट है ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है और इसका जो साइंटिफिक नेम है इट इज़ ब्रैसिका कम पेस्ट्रिस। जानदारों के जो साइंटिफिक नेम्स इसलिए रखे गए हैं ताकि इस चीज़ की कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जांपल, किसी इलाके में जो एक ही चीज़ है उसका जो नाम है वो और होता है, किसी दूसरे इलाके में एक ही चीज़ का जो सेम चीज़ का जो नाम है वो कुछ और होता है। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कि पूरी दुनिया में एक ही नाम एक चीज़ का यूज़ किया जाए या एक जानदार का, तो उनको साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं। तो जो मस्टर्ड प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम है ब्रैसिका कम पेस्ट्रिस। इट इज़ सोन इन विंटर। इसको विंटर में उगाया जाता है एंड प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ विंटर, और विंटर के एंड तक इसमें बीज पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसके यूजेस क्या हैं। द प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल। जो मस्टर्ड प्लांट है इसको मतलब हमारे कंट्री में बहुत ही एक फेवरेट वेजिटेबल के तौर पे यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। और इसके जो सीड्स हैं इनमें से ऑयल भी निकाला जाता है। सरसों का जो तेल है, इसके जो ऑयल है उसको हमारे कंट्री में या हमारे यहाँ सरसों का तेल कहा जाता है। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल भी है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ प्लांट बॉडी। ये जो ये मस्टर्ड प्लांट है इसके पार्ट्स की डिवीजन किस तरीके से की गई है। द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि उनके काम करने की नौइयत के लिहाज से उनकी डिवीजन की गई है टू पार्ट्स में या फिर टू ग्रुप्स में, कि उनके पार्ट्स किस किस्म की वर्किंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स हैं दीज आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्ट प्ले नहीं करते। तो ये कौन कौन से हैं? रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स। तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन। तो वो पार्ट्स जो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लावर्स। तो जो फ्लावर्स हैं ये क्या हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर्स जो हैं वो मस्टर्ड प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड रूट्स हैं दे आर वेजिटेटिव पार्ट्स दैट डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है मस्टर्ड प्लांट में? सीड्स की एंड फ्रूट्स की। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि इसमें प्रोड्यूस क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज फ्रॉग। तो अभी हमने जो प्रीवियस पढ़ा था वो था एक प्लांट, अब जो हमारे पास आ रहा है ये है फ्रॉग। तो जो फ्रॉग क्या है? दिस इज़ ऑल्सो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। और जो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है वो क्या है? राना टाइग्रेना। तो हर एक जानदार के साइंटिफिक बेसिस पे जो नाम रखे गए हैं वो अलहदा अलहदा और स्पेसिफिक हैं। पूरी दुनिया में जो साइंटिफिक नेम किसी भी एक जानदार का है वो सिर्फ वही होता है, कहीं भी और दूसरा नहीं हो सकता है। तो जो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है वह है राना टाइग्रेना। इट शोज मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फ्रॉग के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि
स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शंस करते हुए ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ऐसा जानदार जिसके अंदर ये कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स मौजूद हों उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो जो फ्रॉग है इसके जो ऑर्गन्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड नर्वस. एपिथेलियल टिश्यूज, द वर्ड एपी मीन्स अपॉन. तो एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो कि स्किन की बाहर वाली साइड पे मौजूद होते हैं. इस तरह से ग्लैंडुलर टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिनसे मिलके ग्लैंड्स बने होते हैं. ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी में सिक्रीशंस करते हैं. और इस तरीके से जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो वाले टिश्यूज हैं जो के मिलके मसल्स बनाते हैं. मसल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, कंट्रैक्शंस करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं. नर्वस टिश्यूज जो मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं. तो सो दिस वॉज अबाउट मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन. तो इस लेक्चर में हमने मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन में मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग का स्टडी किया. स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी. स्टूडेंट्स थैंक यू. हवा में उड़ना है, पानी पे चलना है.